दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप की एक कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया, एक तरह से देखें तो इसने एक नया इतिहास रचा है। क्या है वो खबर, उसको अच्छे से समझेंगे और इसका क्या फ़ायदा अदानी ग्रुप को हो सकता है। इसके अलावा अदानी ग्रुप की तीन बड़ी कंपनियां जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, तो क्या है एक्सपर्ट की राय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप का कितना इन्वेस्टमेंट कौन से स्टेट में है और क्या वाकई में सरकार का रहमोकरम पे ही अदानी ग्रुप चल रहा है या फिर सरकार कोई भी हो अदानी ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ये रिपोर्ट से भी साबित होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यूके शेयर बाजार का जो बेंचमार्क है FTSE उसको रीबैलेंसिंग किया जा रहा है, इसका क्या फायदा अदानी ग्रुप को होगा वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में अदानी ग्रुप को लेकर क्या संभावना बन रही है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का ये मौका है या फिर इस समय अदानी ग्रुप से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। वैसे देख सकते हो कि इंडबक की रिपोर्ट के बाद काफ़ी भरोसा जगा है, काफ़ी बड़े जो इंटरनेशनल बैंक है वो अदानी ग्रुप को कर्ज देने को तैयार है और इंडिया के जो बैंक है वो भी कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप को अगर कर्ज चाहिए तो उनके प्रोजेक्ट को देकर हम बिल्कुल कर्ज देंगे। तो इससे अदानी ग्रुप की सेहत पे सुधार तो हुआ है, इसके अलावा उन्होंने पुराने कर्ज को भी चुकाया, तो ये सारी बातें साबित करेगी कि अदानी ग्रुप मुसीबत से लड़ने को बिल्कुल तैयार है। तो जानेंगे इस वीडियो में आगे क्या संभावना और बनेगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं अदानी ग्रुप के अचीवमेंट की तरफ। यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आप देख सकते हो कि पूरे एशिया के अंदर नंबर 1 कंपनी बनके उभरी है ISS ESG के मामले में और टॉप 10 कंपनी में शामिल हो चुके हैं ग्लोबल लेवल पर। आप इसकी तो रेटिंग Prime B+ बैंड इसको मिली है और इस हिसाब से देख सकते हो कि ESG के मामले में कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो चुकी है। कंपनी का अगर रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो देखें तो 8216 मेगावाट का है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है अदानी ग्रुप के लिए और जिस तरह से अदानी ग्रुप की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों को लगातार इस तरह से बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल हो रही है, उससे बात समझ में आ रही है कि वो बिजनेस के साथ में पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखते हैं और इसीलिए इनको अच्छी रैंकिंग मिलती है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि FTSE की रीबैलेंसिंग होने वाली है और इसका फायदा क्या अदानी ग्रुप का होगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सेंसेक्स की तरह FTSE UK के शेयर बाजार का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स है और इसे आमतौर पर FTSE कहते हैं। अब इसमें रीबैलेंसिंग की तैयारी हो गई है और ये बदलाव 16 जून यानी शुक्रवार से लागू होगा, यानी आज से लागू हो जाएगा। नए बदलाव से भारत में करीब 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर, करीब 2000 करोड़ रुपये तक का भारतीय शेयर बाजार में नया इन्वेस्टमेंट आएगा। IFL की रिपोर्ट ने बताया कि इंडेक्स की रीस्ट्रक्चरिंग का कई भारतीय कंपनियों के शेयरों पर असर होगा। IFL के अनुमान के मुताबिक मेदांता ग्लोबल हेल्थ और पिरामल फार्मा के शेयरों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ONGC और सोलर इंडस्ट्रीज भी शामिल है जिसमें नया निवेश आ सकता है। मेदांता ग्लोबल हेल्थ को करीब 8.1 मिलियन यानी करीब 65 करोड़ रुपये का नया निवेश मिल सकता है। वहीं पिरामल फार्मा को 11.1 मिलियन डॉलर यानी करीब 90 से लेकर 100 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। और अन्य कंपनियों में देखें तो विप्रो इंडेक्स के भीतर अपने वेटेज में बढ़ोतरी कर सकता है। कंपनी को करीब 20.9 मिलियन का इनफ्लो मिलने की अनुमान है। इसके अलावा कई अन्य शेयरों में खरीदारी आने की उम्मीद है जिसमें PNB, वरुण बेवरेज, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ONGC और सोलर इंडस्ट्रीज में भी इनका निवेश आएगा। तो इस बदलाव के बाद, FTSE के बदलाव के बाद इसका अदानी ग्रुप की दो कंपनियों पे शानदार फर्क पड़ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप की तीन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन, और जिसने भी इन स्टॉक में लगभग 6-7 महीने पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इस समय उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये स्टॉक अभी समय देख सकते 50 से लेकर 81% कम रेट में इस समय आप देखें मिल रहे हैं। तो क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस 6 महीने पहले देखें तो 3550 रुपीज़ के आसपास था, इस समय 682 रुपीज़ के आसपास है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये अभी देख सकते हो कि 2657 के आसपास था, इस समय 831 के आसपास आ चुका है। और अगर बात करें अगर हम यहाँ पे अदानी ग्रीन की तो ये स्टॉक भी इस समय 983 के आसपास है जो 2024 के आसपास हुआ करता 6 महीने पहले, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट इनमें हो चुकी है। तो यहाँ पे इनके आगे चेकलिस्ट के जरिए आपको पता चलेगा क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अदानी टोटल गैस अपने
प्रतियोगी कंपनियों की तुलना में, यानी फाइनेंशियल ओनरशिप वैल्यूएशन मोमेंटम और परफॉर्मेंस में टेस्ट में पास करता है या फेल, तो अदानी गैस को कुल देख सकते हो कि 12 निगेटिव पॉइंट मिले और 11 पॉजिटिव पॉइंट मिले। फाइनेंशियल मोर्चे पर 6 पॉजिटिव पॉइंट है और 2 नेगेटिव पॉइंट मिले। ओनरशिप के मामले में 3 पॉजिटिव पॉइंट है, 1 नेगेटिव पॉइंट है। साथ में अपनी दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव अंक मिले। वैल्यू और मोमेंटम में 7 नेगेटिव अंक है और केवल 1 पॉजिटिव अंक है। अब अगर हम अदानी ग्रीन के स्कोर को चेक करें तो देखिए अदानी ग्रीन को कुल 12 निगेटिव पॉइंट मिले और 11 पॉजिटिव पॉइंट मिले हुए। फाइनेंशियल मोर्चे पे 3 पॉजिटिव है और 5 निगेटिव पॉइंट है। ओनरशिप के मामले में 2 पॉजिटिव पॉइंट है और 2 निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अपनी पेयर कंपनी की तुलना में 1 निगेटिव पॉइंट है और 2 पॉजिटिव अंक मिले। वैल्यू और मोमेंटम में 4 निगेटिव पॉइंट है और 4 पॉजिटिव अंक मिले हुए। अब अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन को कुल देख सकते हो कि 26.09% के आसपास के अंक मिले। इसमें देख सकते हो कि 17 इसके नेगेटिव पॉइंट है और 6 पॉजिटिव पॉइंट है। फाइनेंशियल मोर्चे पे देख सकते हो 2 पॉजिटिव अंक है, 6 नेगेटिव पॉइंट है। ओनरशिप के मामले में 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। पेयर कंपनियों की तुलना में 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव अंक है। और वैल्यू और मोमेंटम में 7 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव अंक है। तो इस हिसाब से देखें तो इसकी जो पॉइंट है थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा, और इस हिसाब से आने वाले समय इतनी बड़ी तेजी की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो ऐसे में इस समय थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। ये जो पहले जो हाई बन चुकी है वो उस तेजी के दौर में बन चुकी है, वापस उस तेजी पे पहुंचना अभी फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि लगातार कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा घेरा गया अदानी ग्रुप को, जब से ये रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद में बहुत सारे लगातार हर दिन उनको कोसा जा रहा है और कई तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देख सकते हो कि कर्नाटका में नई सरकार बनी है कांग्रेस की और उन्होंने संदेश भेज दिया है अदानी ग्रुप को कि आप आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये देख सकते हो कि कहने के लिए तो ठीक है कि कितना भी इल्ज़ाम लगाओ, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जितने राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वो भी बहुत सारा निवेश इस समय अदानी ग्रुप के पास से करवा चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार करीब 25,000 करोड़ रुपीज़ का कोल खदान है। इसके अलावा देखें तो राजस्थान में करीब 65,000 करोड़ का टोटल निवेश का वादा किया है अदानी ग्रुप ने। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की कोल खदान भी अदानी के पास है। केरल में देख सकते हो कि 7,400 करोड़ रुपये के देख सकते हो विजिम बंदरगाह शामिल है। बंगाल में करीब 35,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश का काम चल रहा है। ओडिशा में देखें तो 57,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में 4,500 करोड़ का देख सकते हो, राधनपुर में एक सोलर प्लांट है। तो ये सारी सरकार है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। देख सकते हो कि आप तमिलनाडु में इनकी स्टालिन की सरकार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सारी सरकार दूसरी जहाँ पे निवेश लगातार हो रहा है। इससे बात तो समझ में आ रही है कि अदानी ग्रुप के लिए सरकार कोई भी हो उनके इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता और इन्वेस्टमेंट सभी जगह है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो मामला है अभी फिलहाल सेबी की जाँच के तहत है, जहाँ पे जाँच लगातार आगे बढ़ रही है और लग रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले में सारे के सारे खुलासे भी हो जाएंगे, क्योंकि देख सकते हो कि बहुत जल्द सेबी अपनी जाँच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप देगी और इसके बाद में ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें वेट जरूर करना होगा। सेबी जांच कर रही है और देख रही है कि 2020 के बाद किस तरह से विदेशों से पैसे आए, उसकी लिंक को जोड़ा जा रहा है। वो सारी लिंक मिलने के बाद में सारा क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले समय हमें इसमें पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई देगी। सेबी ने जाँच में ये भी पाया है कि 2020 के बाद जो विदेशी निवेश है वो 3 गुना बढ़ा भी है। तो जल्दी ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें कम हो जाएगी और अदानी ग्रुप अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।